सबके साथ मिलकर बात करकर चिंता करकर जो विषय आपके हैं प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक ब्लॉक से प्रत्येक बूथ से उनसे सबसे जानकारी लेकर भारतीय जनता पार्टी एक मैनिफेस्टो जारी करेगी कि कालका के लिए कालका के क्षेत्र के लिए क्या विजन है, कौन से ऐसे काम है जो अधूरे रह गए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कालका के निवासियों को उसकी कमी महसूस होती है करती है, और उन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए ही आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आपको आज इस मंच से एक और चीज का आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग हमारे सारे शुभ चिंतकों की है, कार्यकर्ताओं की है, अभी हम सब लोगों में निकलेंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपना संदेश लोगों के बीच में लेके जाएंगे, कुए हल्के के कालका पिंजौर के हल्के के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा संदेश मेरी तरफ से भी सबको दीजिएगा, पूरे कालका की और पूरे कालका हल्के की जनता को दीजिएगा कि आप एक विधायक चुनेंगे आपको एक एमपी फ्री में मिलेगा साथ में, तो एक विधायक के साथ एक एमपी फ्री है। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपके बीच में आए हैं, आपकी चिंता करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और कालका को एक खुशहाल विधानसभा क्षेत्र के तौर पर जो नशा मुक्त क्षेत्र रहे, ताकि जो युवाओं को कम ना करे, जो सत्ता मुक्त क्षेत्र रहे, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से चले सुचारू रूप से, जहाँ रोजगार हो, जहाँ व्यवसाय हो, जहाँ उद्योग लगे, ताकि पूरे एरिया का विकास हो सके। क्योंकि जिस तरीके से पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में अंबाला क्षेत्र के अंदर विकास किया था, मैं बताना चाहता हूं कि उसी तरीके से कालका का भी विकास किया जाएगा, और कालका के विकास के अंदर आप सबका, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, हर एक पद अधिकारी का, हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान के साथ, मान सम्मान के रूप में पूरी तरीके से देते हुए कालका के पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। मैं आपको अपनी इस बात से आश्वस्त करके जाता हूं, और मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करके जाता हूं कि जो भी बातें विपक्षी पार्टी अपोजिशन पार्टियां बोल रही हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, आप कृपया करके उनके बहकावे में बताइए, क्योंकि जिस पार्टी ने देश के संविधान की हत्या की आज वो देश के संविधान की दुहाई देते हैं, जिस पार्टी ने देश के संविधान को खत्म करने का काम किया आज वो देश का संविधान अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि इसके उसका नाता देते हैं, तो उनकी भ्रामक बातों में मत आइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मुझसे माता के दर्शन करने के बाद एक पत्रकार छायाकार बंधु ने एक सवाल पूछा कि जी एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, तो मैंने उनको कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो केंद्र सरकार की भी थी, पर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भी, तीसरी बार भी बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के नीचे के अंदर, जो कि भारत में लगभग 7 साल बाद ऐसा हुआ है। तो ये बात कि 10 साल से सरकार है बीजेपी की, इसलिए तीसरी बार कांग्रेस की सरकार आएगी, ये भ्रांति कांग्रेस फैला रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, श्री नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे केंद्र में सरकार बनी है उसी तरह हरियाणा प्रदेश में भी, प्रांत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि जो रास्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है और देश के अंदर जो अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है, वो काम हम हरियाणा में भी करेंगे। जो भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं कालका के, चाहे वो पानी की का मुद्दा हो, चाहे वो पानी की निकासी का मुद्दा हो, या पीने के पानी का मुद्दा हो, या नहर के पानी का मुद्दा हो, चाहे वो व्यवसाय का मुद्दा हो, चाहे एचएमपी का मुद्दा हो, चाहे सेक्शन 7A का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा, इससे कालका की जनता त्रस्त है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सारे के सारे मुद्दे बहुत जल्द हल होंगे। मैं इसी मंच से एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, जो लोग सट्टे का व्यापार करते हैं, वो 8 तारीख से पहले पहले कालका क्षेत्र छोड़ के चले जाए, क्योंकि 8 तारीख के बाद इनमें से कोई भी नहीं बिकेगा कालका के अंदर। ये मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि कालका के अंदर हम कालका को भयमुक्त, नशा मुक्त और सट्टा मुक्त करेंगे। मैं
कालका में बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने अपनी बात रखी। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने शक्ति रानी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है कालका विधानसभा सीट से। आज रोड शो किया, इस दौरान ज़बरदस्त भीड़ इस रोड शो के दौरान मौजूद रही, लोगों का भारी समर्थन इस रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जी को मिला। उन्होंने कालका मंदिर में दर्शन किए, पूजन किए, जिसके बाद अब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कालका से आप लाइव देख रहे थे बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के चुनाव कार्यालय का ये उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने इस दौरान अपनी बात रखी और कालका की जनता से उन्होंने वादा किया है कि
कालका का विकास किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है।